हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका वी टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। दी ब्लैक स्ट्रिंग 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है और रोटन स्कोर 86% फ्रेश है। दरअसल ये मूवी काफी यूनिक वे में बनाई गई है जो कि एंड होती है दो दो वर्जन के साथ। तो अब ये व्यूअर पर छोड़ दिया जाता है कि वो किस वर्जन को सही मानता है और इन्हीं दो वर्जन के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर जोनाथन के साथ जो कि एक स्टोर में काम करता है। जोनाथन अपने माता पिता से अलग रहता है और उसका लोगों से कुछ खास मिलना जुलना भी नहीं होता। जोनाथन सिर्फ एरिक को जानता है और एरिक ने ही उसे इस स्टोर में जॉब दी थी। जोनाथन सोशली काफी शाई किस्म का है और अपने कस्टमर से भी काफी ऑकवर्डली बिहेव करता है। और एक बार एक कस्टमर जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था उस स्टोर में, जोनाथन बोलते टाइम काफी फंबल करने लगता है जिससे उसे लगता है कि जोनाथन उसका मजाक उड़ा रहा है और वो काफी गुस्सा होकर वहां से जाता है। बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक बेगर भी है जो कि उस स्टोर के बाहर घूमता रहता है जिसे देखकर कई बार जोनाथन काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब तक जोनाथन काफी निराश हो चुका था क्योंकि उसकी लाइफ बिल्कुल भी हैपनिंग नहीं थी। तो एक रात जब वो काम करने के बाद अपने रूम पर बैठा हुआ था तभी उसे टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है जिसमें एक नंबर दिया गया था जिस पे कॉल करके आप लड़कियों को बुला सकते हैं। अब चूंकि जोनाथन काफी अकेला था और सोशली काफी इंट्रोवर्ट भी था तो वो उस नंबर पे कॉल करता है और एक लड़की को नेक्स्ट नाइट बुला लेता है। अब इस नाइट के बाद जोनाथन के लिए सब कुछ बदलने वाला था। अब नेक्स्ट डे सुबह से ही जोनाथन काफी खुश होता है क्योंकि फाइनली वो किसी लड़की के साथ बाहर डिनर पर जा रहा था बाकी लोगों की तरह। तो वो उस दिन एरिक को स्टोर पर बुलाता है और उसे बताता है कि आज वो जल्दी अपनी शिफ्ट खत्म करके चला जाएगा क्योंकि उसे एक लड़की के साथ डिनर पर जाना है। सो एरिक उसे जल्दी जाने की इजाजत दे देता है क्योंकि उसे भी पता है कि जोनाथन को कुछ दोस्त बनाने की जरूरत है। जहां जोनाथन एक घर के बाहर से एक लड़की को पिक करता है जिसका नाम डीना था। हालांकि डीना को जोनाथन काफी अजीब लगता है फिर भी वो उसके साथ कार में डिनर पर चली जाती है। जहां डिनर के बाद जब जोनाथन डीना को घर छोड़ने के लिए बोलता है तो डीना जानबूझकर जोनाथन के साथ उसके घर जाने के लिए बोलती है। अब वे दोनों जोनाथन के घर जाते हैं जहां डीना जोनाथन के साथ सोने को बोलती है। यहां शुरू में तो जोनाथन मना करता है बट बाद में मान जाता है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। अब यहां जब जोनाथन सुबह उठता है तो पाता है कि वो लड़की अब वहाँ नहीं है और उसके पेट पर और प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेज जलन हो रही है और वहाँ कुछ अजीब से रैशेस भी हो गए हैं जिसके बारे में वो स्टोर पर जाकर एरिक को भी बताता है कि आज वो यहाँ नहीं आ पाएगा और उसे अपने रैशेस के बारे में भी बताता है। जहाँ एरिक उसे बताता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जोनाथन जब डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसने उसके टेस्ट कर लिए हैं और उनके रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। बट अगर वो उस लड़की को ढूंढ ले तो वे उससे पूछ सकते हैं कि क्या अगर उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी जिसकी वजह से जोनाथन को ये सब हुआ है। सो जोनाथन पहले उसी घर में जाता है जिसके बाहर से उसने डीना को लास्ट नाइट पिक किया था। बट उस घर में कोई और ही आदमी दरवाजा खोलता है और उसे बोलता है कि कोई डीना नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती। हालांकि जोनाथन को ये पक्का याद था कि डीना को उसने इसी घर से पिक किया था। तो वो जबरदस्ती उस घर के अंदर भी जाने की कोशिश करता है बट उसे उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस लोग भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। सो वो डरकर वापस से बाहर आ जाता है और तभी उस घर का ओनर जोनाथन को वहां से जाने के लिए कहता है। अब जोनाथन डीना को ढूंढने के लिए उसी नंबर पर कॉल भी करता है बट वहां से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और वे उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि उनकी कंपनी पॉलिसी के अनुसार वे किसी की भी पर्सनल इन्फो किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते। तो अब जोनाथन के पास डीना को ढूंढने का एक ही रास्ता बचा था और वो था वही रेस्टोरेंट जहां लास्ट नाइट उसने डीना के साथ डिनर किया था। अब जब वो रेस्टोरेंट में भी पहुंचता है तो भी किसी को भी ये नहीं याद था कि उसके साथ वाली लड़की कौन थी। यहां एक और अजीब घटना घटती है। जब जोनाथन रेस्टोरेंट में डीना के बारे में पूछ रहा होता है तब उसे एक औरत देख रही होती है जो कि देखने में काफी अजीब थी। जोनाथन भी उसे देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। वो इसके साथ ही ये भी देखता है कि उस औरत के पास अजीब तरह के पेपर और सामान थे। बट तभी उसके पास एरिक का कॉल आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है
और वो जल्दी से उसके घर आए तब वो उसे सब कुछ बताएगा। तो जोनाथन उस औरत को छोड़ जल्दी से एरिक के घर पहुंचता है, जहां जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि अब इन्फेक्शन उसके हाथ पर भी आ चुका है और उसे अजीब तरह के नाइटमेयर्स आने शुरू हो गए हैं। और इतने में ही एरिक अचानक से उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे बचने के लिए जोनाथन उसे हिट करता है। अब यहाँ हमें पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, जहाँ एरिक के घर पहुंचकर वे जोनाथन को अरेस्ट कर लेती हैं, उसे एरिक पर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब हमें हर घटना के दो वर्जन दिखाई देने लगते हैं, एक जोनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मूवी के बाकी सारे मूवी कैरेक्टर की तरफ से। यहाँ एरिक पुलिस को बताता है कि जोनाथन उसके घर पर पहले से मौजूद था और चुपचाप खड़ा हुआ था, और जब वो उसके पास गया तो उसने एरिक पर अटैक कर दिया, जबकि जोनाथन के हिसाब से कुछ और ही हुआ था। यहाँ एरिक ये भी बताता है कि उसने जोनाथन को कोई कॉल भी नहीं की थी, जिसके बारे में जोनाथन ने पुलिस को बताया है। अब वही डॉक्टर जिसने जोनाथन को पहले ट्रीट किया था, वो उसे बताता है कि उसकी टेस्ट रिजल्ट में कुछ भी नहीं निकल कर आया है और वो उसके रैशेज के बारे में पक्का कुछ भी नहीं कह सकता। और वो उसे ये भी बताता है कि इन्हीं रैशेज की वजह से शायद उसे इल्यूजन्स हो रहे हैं। और फिर पुलिस वहाँ जोनाथन के माता पिता को बुलाकर जोनाथन को उनके साथ भेज दिया जाता है। अब यह जोनाथन अपने घर वापस जाना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स उसे वहाँ से नहीं जाने देना चाहते। और अब जोनाथन को नाइटमेयर्स आने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें एक रात वो देखता है कि एक साया उसके घर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। सो जोनाथन उसे देखकर वहाँ से बाहर भागने लगता है, बट उसके पेरेंट्स को लगता है कि उसे फिर से इल्यूजन्स हो रहे हैं और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट जोनाथन अपने पिता को पंच करके वहाँ से बाहर भाग जाता है। अब वो अपने घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास उसकी चाबियाँ नहीं थी। सो वो एक अबेंडेंट हाउस में जाकर रुकता है, जहाँ एक और होमलेस पर्सन पहले से रहता था। अब जोनाथन बाहर जाता है ताकि अपनी रैशेज का कोई इलाज ढूंढ सके, जहाँ रास्ते में उसे एक पेपर कटिंग मिलती है जिस पर एक साइकिक मेलिंडा की एड होती है, जिसे देखकर जोनाथन को ये याद आता है कि ये वही लेडी है जो उस दिन रेस्टोरेंट में उसे काफ़ी अजीब तरीके से देख रही थी। सो वो जल्दी से पेपर में दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, जहां उसे मेलिंडा मिलती है और वो जो भी उसे बताती है ये सुनकर जोनाथन काफ़ी हैरान होता है। मेलिंडा उसे बताती है कि उस पर ब्लैक मैजिक किया गया है और उस पर विचिस का साया है, और ऐसा करने के लिए डेविल को मानने वाले लोगों में से किसी एक ने उस लड़की के थ्रू उसे पोजेस किया है। ये लोग किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो कि काफी अकेला हो और दिल और दिमाग से काफी कमजोर हो, और फिर उसे लड़की का झांसा देकर पोजेस कर देते हैं, जिसकी निशानी यही होती है कि जो भी उससे पोजेस होता है उसके अंदर ब्लैक स्ट्रिंग्स बनने लगती हैं, जिन्हें निकालना पड़ता है वरना एक दिन डेविल उसे मार डालता है। अब जोनाथन मेलिंडा की बातों से सहमत होता है क्योंकि जो भी मेलिंडा ने उसे बताया था उसके साथ वो सब हो रहा था। तो मेलिंडा उसे एक नाइफ देती है और कुछ दवाइयां भी, जिसे वो उसे बोलती है कि वापिस से घर जाकर उसे नाइफ की मदद से अपने अंदर से ब्लैक स्ट्रिंग्स को निकालना होगा। और जोनाथन ऐसा ही करता है। वो उसी एबेंडेंट घर में आता है और पहले तो दवाइयां लेता है और फिर उसी नाइफ की मदद से अपने हाथ को चीरकर उन ब्लैक स्ट्रिंग्स को निकालना शुरू करता है, बट इसी बीच उसे दर्द काफी ज्यादा हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो दर्द के कारण रात को बेहोश हो गया था। अब वो उठते ही सबसे पहले डीना के घर वापस जाता है कि उसने जिन लोगों को उस दिन उसके घर देखा था वे उसे कुछ अजीब लग रहे थे। तो वो पीछे से छुपकर उसके घर में ऊपर जाता है तो वो देखता है कि डीना, जिसे वो इतने दिन से ढूंढ रहा था, वो उसी इन्फेक्शन से मर रही थी जो कि उसे भी हुआ था, और वो अपने आप को बचाने के लिए भी उसे कह रही थी। और डीना उसे एक पेंटिंग भी दिखाती है और ये बताती है कि जल्दी ही डेविल उसे मरने वाला है। इतने में जोनाथन बाहर विंडो से देखता है कि वही लोग अब फिर से कार में वापस घर आ रहे हैं, तो वो जल्दी से वहाँ भागने की कोशिश करता है, बट इतने में ही पुलिस वहाँ आकर उसे पकड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं कि जोनाथन को मेंटल असाइलम भेज दिया गया है, जहाँ कोई उसकी बात नहीं मान रहा। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, बट उसकी रिपोर्ट्स में ये आता है कि उसने काफी सारे ड्रग्स यूज किए हैं और सब उसे पागल समझने लगते हैं। अब यहाँ आने के बाद जोनाथन को दिन में भी काफी नाइटमेयर्स आने लगते हैं और वहीं ब्लैक स्ट्रिंग्स हर जगह दिखाई देने लगती हैं। सो डॉक्टर्स उसके हाथ और पैर बांध देते हैं, और उसी रात फिर से डेविल वहाँ आता है, बट अब की बार जो कि जोनाथन बंधा हुआ था तो वो खुद को बचा नहीं पाता और डेविल उसके अंदर से स्ट्रिंग्स निकलना शुरू कर देता है और वो वहीं मर जाता है। अब सुबह जब नर्सिस उस कमरे में आती हैं
तो ये देखकर काफी डर जाती हैं कि किस भयानक तरीके से जोनाथन की मौत हुई है और उसके हाथ में वही नाइफ था जो उसे मेलिंडा ने दिया था। अब यहाँ एक लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वही मिस्टीरियस लोग जो उस घर में रहते थे रोड पर एक होमलेस लड़की को देखते हैं, उसे बोलकर कि वो उसकी मदद करेंगे, उसे अपने साथ बिठा लेते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब इसकी एंडिंग को लेकर दो वर्जन्स हैं जो कि ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो किस वर्जन को मानते हैं। तो चलिए फर्स्ट वर्जन जानते हैं और इसके अनुसार ये है कि जोनाथन को सच में इल्यूजन्स आ रहे थे और शायद मेलिंडा ने उसे ड्रग्स दिए थे, तभी उसे वो लड़की उस घर में दिखाई दे रही थी और ब्लैक मैजिक जैसा उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ था बल्कि वो अकेला था, इस वजह से उसे इल्यूजन हो रहे थे। अब चूंकि जोनाथन हमेशा से अकेला रहा था तो इसीलिए धीरे धीरे वो मेंटल इल्यूजन्स का शिकार होता गया। इसका एक एग्जांपल एरिक भी है क्योंकि वो तो जोनाथन का दोस्त था और उस पर खुद से मारपीट का इल्जाम लगाकर उसे क्या मिलेगा। तो हो सकता है कि सच में जोनाथन ने इल्यूजन्स देखकर एरिक पर हमला किया था और इन्हीं इल्यूजन्स में से नाइफ लेकर रात को जोनाथन ने खुद को मार लिया और उसकी रिपोर्ट में भी उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ड्रग्स पाए गए थे, जो कि हो सकता है कि मेलिंडा ने जो उसे दवाइयाँ दी हों उसके अंदर ड्रग्स हों। तो ये मेंटल इलनेस वाली थ्योरी काफ़ी हद तक सही होती हुई दिखाई देती है। अब इसका सेकंड वर्जन जानते हैं और इस वर्जन में ऐसा हो सकता है कि शायद सच में ही विचिस ने उस पर ब्लैक मैजिक किया हो और उसे पोजेस किया हो और इसीलिए हम लास्ट में देखते हैं कि वो लोग एक होमलेस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं ताकि फिर से किसी और को पोजेस कर सके। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो मूवी में के लास्ट में ये सीन नहीं दिखाया जाता कि वो लोग किसी और होमलेस पर्सन को अपने साथ बिठा रहे हैं। इसके अलावा भी पुलिस ने जब जोनाथन को उसके घर से बाहर से पकड़ा था तब उसका नाइफ वहीं गिर गया था, बट लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे मारने के बाद उसके हाथ में वही नाइफ है। तो ये नाइफ उसके हाथ में कैसे आया जब वो बंधा हुआ था? तो हो सकता है कि उसकी डेथ को सुसाइड दिखाने के लिए ऐसा विचिस ने किया हो और वो सच में ब्लैक मैजिक से पोजेस था। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और दोनों में से कौन सा वर्जन आपको सही लगता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मिस्ट्री मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।